दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की स्पेशल बैठक हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के पर्यावरण प्रदूषण पर दिए गए निर्देशों पर चर्चा की गई। मीटिंग में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिवाली के ठीक पहले दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से सियासत गर्मा गई थी। देश की राजधानी में फिर से ऐसी स्थिति ना बने, इसकी खातिर सुप्रीम कोर्ट के एनजीटी बेंच के निर्देश पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारी और मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया कि किसान पराली ना जलाएं, इसे सुनिश्चित करने की खातिर किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पराली को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। खास करके जो पराली जलाने से पोल्यूशन जो फैलता है, उसके लिए हमने किसानों को सहायता करने की एक बात कही है कि उनको मशीनरी इसकी खरीदने के लिए, ताकि पराली इकट्ठा कर सके, पराली का यूज कर सके, और बायोफ्यूल से जो एनर्जी पैदा करने के लिए भी हमारी कई कंपनियों से बातचीत चल रही है। दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपायों पर भी चर्चा हुई। हरियाणा ने केएमपी के कुंडली मानेसर वाले हिस्से को तय सीमा से पहले ऑपरेशनल किए जाने का भरोसा दिया है, जिससे दिल्ली पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। एक साल के अंदर अंदर केएमपी का ये जो पोर्शन है कुंडली और मानेसर का, ये पूर्ण हो जाएगा, जिससे दिल्ली को भी बहुत राहत मिलेगी और आने जाने वाला ट्रैफिक जो है वो स्मूथली दिल्ली जाए बिना ही पार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एनसीजेड के नाते से जितना एरिया अभी आइडेंटिफाई करना बचा हुआ है अरावली एरिया में, उसको कमेटी हरियाणा की अपने आप डिसाइड करके और उसको फाइनल करेगी वेदर एनसीजेड है या नहीं है, तो इससे भी हमारा जो बहुत सा एरिया अभी डिस्प्यूटेड है वो उसमें फाइनल हो जाएगा और रात मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने से केजरीवाल सरकार ने पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली को भी मुख्य वजह करार दिया था। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया।